वार्ड संघ प्रदेश अध्यक्ष खरौनी पंचायत की वार्ड संघ नैना देवी का कहना है कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत अपने पंचायत में के साथ ही पूरे प्रदेश में काफी ही विकास कार्य हुआ है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सात निश्चय योजना में और ज्यादा सफल बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भोजपुर दर्शन कैमरा टीम अभी पहुंचे खरौनी गांव में। आइए बात करते हैं वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष नैना देवी से। सात निश्चय योजना में कितना हुआ अभी तक विकास? जी मैडम बताइए, जो सात निश्चय योजना अभी चल रहा है कितना अभी तक विकास हुआ? देखिए, हमारे बिहार में जितने भी चयनित वार्ड सदस्य हैं वो अभी तक तो फिलहाल अपने नल जल की योजना में लगे हुए हैं और अभी फिलहाल अभी कुछ लगभग वो अच्छा ही विकास हो रहा है। हमारे देखने से भी अच्छा ही विकास लोग कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ और कोशिश भी करूँगी और सभी वार्ड सदस्यों से हम आग्रह भी करूँगी कि ये जो सात निश्चय का जो योजना है इसको अच्छे से ही कार्य किया जाए। वार्ड संघ का प्रदेश अध्यक्ष है, अभी तक शौचालय की योजना भी तो कितना हो गया होगा? शौचालय में तो हम लोग फिलहाल शौचालय का तो सबको अभी कभी कहीं कहीं लगभग नहीं बना है, कभी कभी अभी चालू हुआ है क्योंकि अभी बालू का जो अभी कार्य था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था, दिक्कत था, इसके वजह से नहीं बना पाए हैं कुछ लोग। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि सभी गाँव में शौचालय हो और इसके लिए मैं सभी वार्ड सदस्यों से यही कहूंगी कि सभी गांव में आगे अच्छा ही शौचालय सबका हो। बात आती है मैडम प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की, अभी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की तक कितना भी वार्ड में पास हो गया होगा? अभी फिलहाल ऐसे देखने से तो अभी कुछ लगभग हो गया है, पहले जो हुआ था वो अभी भरा रहा है इंदिरा आवास का और कुछ भरा गया है कुछ रह गया है। हम चाहेंगे कि सभी जिसका मतलब इंदिरा आवास नहीं है उसका हो। अभी देखा जाए इंदिरा आवास में कभी घोटाला काफी किया जा रहा है इसमें। हाँ, कई वार्डों में ऐसा है, हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो। देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके बारे में कभी जायजा कभी लेने के लिए गए? मैं सभी वार्ड सदस्यों को जानकारी देती हूँ कि आप लोग अपने वार्ड में अपने पंचायत में थोड़ा ऐसा देखिएगा, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सात निश्चय का योजना हो इसमें सरकार जो सात निश्चय का योजना दी है इसका विकास बहुत अच्छा से हो ताकि जनता का अच्छा से। अच्छा मैडम, ये बताइए जो बाढ़ के इलाका भी सब उद्योत नगर हो इस सब इलाका हो, काफी बाढ़ के इलाका जो बाढ़ की राशि अभी तक नहीं पहुँचा हुआ ग्रामीण के पास? हाँ, अभी नहीं पहुँचा है, इसके लिए हम चाहेंगे BDO साहब से कि वो हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं देते हैं, उनको चाहेंगे कि हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दे ताकि हम लोग जानेंगे तभी तो कुछ करा। तो अभी तक बार बीत गया, दूसरा भी बार आने की संभावना क्या लगेगा? अगर हम पैसा मिलेगा जो खाते में जो राशि जाएगा उसका? इसके लिए मैं आग्रह करूंगी, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी BDO साहब से, उनको जानकारी दूंगी कि ऐसा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। अभी शौचालय जो बात किया जा रहा है, देखा जाए कि ग्रामीण के खाते में अभी तक पैसा नहीं गया है? नहीं गया है, ये तो बिल्कुल सही है, अभी तक ग्रामीण का कहना कि हम लोग खुद पैसा लगा के शौचालय बनाया जा रहा है। हाँ, ये अभी तो ये है कि खुद से आप पैखाना बना रहे हैं और 12,000 का रुपया जो मिलने वाला है सरकार जो देने वाली है इसकी वजह से सभी मतलब गाँव के लोग फैमिली के लिए बना रहे हैं और यही सोच के कि सरकार हमें पैसा दे। तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वार्ड संघों को लेकर कुछ ऊपर आवाज उठाएगा? हाँ बिल्कुल उठाएंगे, उनके पेंशन अभी तक नहीं मिला जा रहा है, जो सात निश्चय का जो इसमें मिलने वाला था ये उनका पेंशन मिलने वाला था, जो पेमेंट था जो 700 रुपया 500 रुपया था मिलने वाला वो अभी तक राशि नहीं मिल रहा है, टाइम पर राशि नहीं मिल पा रहा है। हम चाहेंगे कि सभी वार्ड सदस्यों को टाइम पर अभी देखा जाए कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात देखा जा रहा है, दो नंबर ब्लॉक में बनाया जा रहा है, यहाँ पर कोई कर्मचारी टाइम पर नहीं रहते हैं? हाँ नहीं रहते हैं, सही बात है। हम चाहेंगे कि वहाँ पे एक वार्ड सदस्य के लिए एक ऑफिस बने ताकि कोई बात हो कोई अच्छा विचार किया जाए बैठ करके, हम यही चाहेंगे BDO साहब से हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। हर एक प्रखंड में अच्छा एक ऑफिस हो ताकि बात विचार इस सब के बारे में कार्य के बारे में किया जाए। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नैना देवी है, प्रदेश अध्यक्ष वार्ड महासंघ के। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना SR हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन,
स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें SR हॉस्पिटल, DM कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182-248789। मोबाइल नंबर है 9056-441-442। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, करमंटोला, आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझा अभी भी देर नहीं। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर, जी हां, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, करमन टोला, आरा। देव कंप्यूटर, वालिया कॉम्प्लेक्स, तीसरा मंजिल, करमन टोला, आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10, विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपाली, आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया, आरा, भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड, आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, आपकी अपनी दुकान, हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय, महादेवा रोड,
आरा। ब्रेक के बाद भोज प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। निजी विद्यालय के द्वारा गर्मी की छुट्टी के बाद समर कैंप जो आयोजन किया गया था, उस समर कैंप के समापन के अवसर पर स्थानीय नागरी प्रचारी सभागार में समर कैंप समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जागा कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दिखाइए कर हमारे बच्चे बच्चियों को शिक्षा दे रहा है।
टाइम में तो बच्चे लोग जब छुट्टी होता है, जो समय बच्चा लोग को मिलता है छुट्टी के समय में घूमने के लिए, उस समय में बच्चे लोग अपने मनोरंजन के तौर पर मैंने कला को सीख लेते हैं, जिससे मैंने बच्चों को भी समय भी पास हो जाता है और एक शिक्षा भी हो जाती है, कला के क्षेत्र में शिक्षा भी अपने घर को ग्रहण कर लेते हैं और उसका प्रदर्शन आज हम लोग के बीच में कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे कार्यक्रम में इस समर कैंप में चलकर हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव महिला प्रकोष्ठ के मधु मजरी जी आई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उन्होंने भी इस समर कैंप में बहुत सहयोग दिए हैं। ऐसे ऐसे सभी लोग लगे हैं कि हमारे बच्चे बच्चियों को आगे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे हो अपने प्रदर्शन के माध्यम से। आज जब हमारे इस बच्चे बच्चे मंच पर बोल रही है, काल के कोई भी मंच पर इस माध्यम से, ये समर कैंप के माध्यम से आज जो मंच पर बोल रही है, डांस कर रही है, अपनी कला को दिखा रही है, कोई भी खुला मंच पर हमारे बच्चे बच्चियों को बोलने में कोई भी आस नहीं होगा। तो शिक्षा के साथ साथ कला भी जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहिल जी को और मैंने श्री सर प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को। क्या योजना माना जाए? ऐसी बात नहीं है,